हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बाइंडी टू प्रयागराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जिसमें हम लोग का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका था। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा जो सेकेंड जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन है वो 1956 टू 1963। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी आई वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जनरेशन में हम लोग का क्या यूज हो रहा था? वैक्यूम ट्यूब एज अ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब यहाँ पे जो नई चीज आई है आपके सामने, ट्रांजिस्टर आ गया है। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, दे कंप्यूटर्स आर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड रिलायबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे हम लोग का यूज हो रहा था वैक्यूम ट्यूब एज अ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वहां पे अब क्या यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसकी प्लेस को एक्सेप्ट कर लिया है। दे कंप्यूटर्स आर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड रिलायबल। और इसी ट्रांजिस्टर की वजह से वो कंप्यूटर, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, वो क्या हुए, साइज थोड़ी सी छोटी हो गई, स्पीड भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई और चीपर यानी सस्ते भी हो गए। उसके साथ ही साथ रिलायबल भी हो गए कि अब कोई काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट आएगा, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक कोर्स वर यूज एज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक कोर्स। तो मेमोरी के बारे में हम लोग आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो डिटेल में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे हम लोग यूज कर रहे थे। ये तो बात थी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की। अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम लोग किससे इंट्रोड्यूस हो गए, HLL, जिसका पूरा नाम क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक फोर्ट्रान एंड कोबोल। तो ये कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम लोग सेकेंड जनरेशन में कोडिंग करते थे। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो सेकेंड जनरेशन एग्जाम्पल कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, IBM 7094, CDC 604 एंड हनीवेल एंड लास्ट मार्क थर्ड एटसेट्रा। तो यहां तक की स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बात कर लेते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइज थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। रिड्यूस क्यों हुई, क्योंकि हम लोग क्या यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। किसके जगह पे, वैक्यूम ट्यूब की प्लेस पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो इसी का बना होता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ही हम लोग ट्रांजिस्टर को भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हीट रिड्यूस बट एसी रिक्वायर्ड। हीट तो थोड़ी सी कम हो गई लेकिन एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी। प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज 200 KBPS टू 400 KBPS। इट मीन्स जो स्पीड 2 KBPS था, 2 KB टू 200 KBPS था, वो इंक्रीज होके कहां तक पहुंच गया, 200 KBPS से लेके 400 KBPS तक। नेक्स्ट है लैंग्वेज में, तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस किए थे, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो यहाँ पे एक निमोनिक्स कोड होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या फिर उसी असेंबली लैंग्वेज को हम लोग बेसिक या फिर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बात करें अगर स्टोरेज की, तो स्टोरेज में क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम ड्यूरेशन है वो 1964 टू 1971 तक का है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में बात करें तो यहां पे जो एक नई चीज आई है वो क्या आ गया है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के प्लेस पे हम लोग क्या यूज करने लगे, आईसी। और यहाँ पे आईसी के साथ जो एक एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कोई एक सिंगल आईसी नहीं,
कई सारी आईसी लगी होती हैं। अ सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर रजिस्टर एंड कैपेसिटर ऑन अ सिंगल सिंगल सिलिकॉन चिप। तो आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन चिप की बनी होती है। और एक सिंगल आईसी में कई सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, कई सारे रजिस्टर होते हैं, कई सारे कैपेसिटर होते हैं। अब ट्रांजिस्टर रजिस्टर कैपेसिटर इन सभी का काम अलग अलग होता है, ये सभी अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। यूज दिस आईसी इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। तो इस आईसी का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर के स्पीड को इंक्रीज कर दिया और साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग यहीं से इंट्रोड्यूस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, फोरट्रान, कोबॉल, पास्कल, बेसिक, इनका यूज करके हम लोग क्या बना रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल में बात करें तो आईबीएम सिस्टम 360 स्लैश 370। नेक्स्ट है पीडीपी 8/11 एंड सीडीसी 6600। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है, और यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर भी दिख रही होगी। बात करें अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी साइज रिड्यूस हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आईसी यूज कर रहे हैं। कोई एक सिंगल नहीं, कई सारी आईसी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन चिप की बनी होती है। इट इज यूजेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। हीट भी क्या हुई, रिड्यूस हुई। एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी। प्रोसेसिंग स्पीड और इंक्रीज हो गई, 400 KBPS टू 2000 KBPS इंक्रीज हो गई। लैंग्वेज में किसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक डिस्क को यूज कर रहे हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट जनरेशन की ओर। तो नेक्स्ट जनरेशन है हम लोग का फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की अगर बात आए, तो 1972 टू 2010 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम ड्यूरेशन है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में दे यूज द LSI। LSI स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, LSI और VLSI टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसी LSI और VLSI की वजह से ये कंप्यूटर हम लोग का किस फॉर्म में आ गया, माइक्रो कंप्यूटर। इट मीन साइज और छोटी हो गई। माइक्रो कंप्यूटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर। अब वो जो माइक्रो कंप्यूटर था वो धीरे धीरे पर्सनल कंप्यूटर के फॉर्म में चेंज होता जा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब साइज इतनी छोटी हो गई है कि हर किसी के लिए वो आसान हो गया है यूज करना। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करा लेते हैं। इट मीन्स पोर्टेबल फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है हम लोग को, जैसे फॉर एग्जाम्पल MS-DOS, MS-Windows वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे हमको क्या मिला, MS-DOS मिल गया, MS-Windows मिल गया। इट आल्सो सपोर्टेड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI स्टैंड्स फॉर कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो CUI है वो फिक्स एक कमांड पे ही वर्क करता है, लेकिन जो GUI है वहां पे क्या होता है, चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं और एक काम को करने का मल्टीपल तरीका मिल जाता है, कई सारे टाइप हमको मिल जाते हैं। प्रोग्राम्स वर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी, C++, BBMS। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखे जा रहे थे वो हाई लेवल में लिखे जा रहे थे, और वो प्रोग्राम और भी आसान होते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में सी में लिखते थे हम लोग, C++ में, आज भी इन चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं। DBMS का मतलब क्या होता है, तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही होगी आपको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की।
अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फॉर एग्जाम्पल डेक 10, स्टार 100, क्रेवन, क्रेवन हम लोग का सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो साइज क्या हो रही है, कॉमन सी बात है, तो साइज क्या होगी, लेस होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर एज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा LSI और VLSI, वही टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर है। अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है VLSIC, उसके बाद है प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुई, 2000 to 4000 KBPS, इट मींस 2000 से लेके 4000 KB/s तक इंक्रीज हो गई। स्टोरेज डिवाइस भी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात करें अगर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी की बात करें, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे क्या आ गया है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड नैनो कंप्यूटर। अब ULSI की वजह से, ULSI की हेल्प से वो कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर के फॉर्म में आ चुका है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर की हेल्प से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी के फॉर्म में ला रहे हैं। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट नेम होता है AI, यहाँ पे क्या होती है, आर्टिफिशियल का क्या होता है, मतलब क्या होता है, होता तो मैनमेड ही है लेकिन एक इंसान की तरह ये भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आप रोबोट को ले लीजिए, तो रोबोट क्या है, AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं। कुछ नए लैंग्वेजेज आई हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा, पाइथन, CS। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM नोटबुक, पेंटियम एंड परम 1000। करेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो साइज सेम, एंड जो नई टेक्नोलॉजी आई वो कौन सी है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।